Name the enzyme that facilitates the opening of DNA helix during transcription. DNA ligase, DNA helicase, DNA polymerase, RNA polymerase. So correct answer is option D. RNA polymerase facilitates the opening of DNA helix during transcription. Next question hamare paas. What will be the sequence of messenger RNA that is produced by the following stretch of DNA? तो आपने इस वीडियो को पास करके ये सीक्वेंस देख लेनी है और फिर इसकी कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है आपने फाइंड आउट करनी है, और मैं आसानी के लिए जवाब से बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 55. मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्रिप्ट प्रोडक्ट्स. तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो सिंथेसाइज करता है एचएनआरएनए या मैसेंजर आरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफर आरएनए से को सिंथेसाइज करता है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, कि पहले का जो है वो कॉलम मैच होगा दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, और तीसरे का पहले के साथ. क्वेश्चन नंबर 56. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए, फ्रैंकलिन स्टाल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन सी देखें, स्प्लाइसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन. तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है. ऑप्शन डी देखें, ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस आर्टमैन. तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि वो लीडरबर्ग और टेटम ने डिस्कवर की थी. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पुनट स्केयर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट आर सी पुनट. क्वेश्चन नंबर 57. तो ये भी सीक्वेंस दी हुई है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है. इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन. व्हाट विल बी द करिस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. आपने इस वीडियो को पास करके ये सीक्वेंस अच्छी तरह से रीड कर लेना है और इसको फिर मैच कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल. ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए और राइबोसोमल आरएनए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइबोसोमल आरएनए जो है वो मोस्ट अबंडेंट आरएनए है विद इन एनिमल सेल. क्वेश्चन नंबर 59. स्प्लाइसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ फंजाई, एनिमल्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्प्लाइसोम्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 60. द इक्विलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ओपिरॉन, रेकॉन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिस्ट्रॉन इज सिमिलर टू अ स्ट्रक्चरल जीन. क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोमल आरएनए एक्ट्स एज ए स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोसोम्स इन बैक्टीरिया. 5S राइबोसोमल आरएनए, 18S राइबोसोमल आरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 23S राइबोसोमल आरएनए एक्ट्स एज ए स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोसोम्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 62. DNA dependent RNA polymerase catalyzes the transcription on one strand of the DNA which is called template strand, coding strand, alpha strand, anti strand. So correct answer is option A. DNA dependent RNA polymerase jis strand pe jo hai transcription karwata hai usko hum naam dete hain template strand ka, jabki dusri strand jo hogi usko hum naam denge coding strand ka. Question number 63. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अब डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस को इसमें से हमने सेलेक्ट करना है, और दूसरे ऑप्शन में देखें डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, के जो आरएनए सिंथेसिस होती है वो 5-3 डायरेक्शन में होती है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम रीड करते हैं 3-5, जबकि कोडिंग स्ट्रैंड जो होती है वो 5-3 होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने बीते गए समय को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. क्वेश्चन नंबर 64. रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड लूपिंग, इंड्यूसिंग, स्लाइसिंग, सप्लाइसिंग. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सप्लाइसिंग के दौरान जो है वो इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन को जोड़कर जो है वो एक फंक्शनल मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 65. इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस एज ATCTG, वट वुड बी द कम्प्लीमेंट्री आर एन ए स्ट्रैंड सिक्वेंस. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कि अगर डी एन ए की एक स्ट्रैंड पे ये वाली सिक्वेंस होती है तो उसके नतीजे में जो कम्प्लीमेंट्री आर एन ए सेंथिसाइज होगा उसकी सिक्वेंस होगी UAGAC. क्वेश्चन नंबर 66.
राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइबोसोम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 67. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, द इंड्यूसर, टर्मिनेटर, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंड्यूसर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हिस्सा नहीं है. इसके अलावा टर्मिनेटर, प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन तीनों जो है वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 68. रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए, एचएनआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कि अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 को हम रिमूव कर देते हैं तो इसके नतीजे में ट्रांसफर आरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 69. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन अ बैक्टीरियल सेल, 5S राइबोसोमल आरएनए, एसएनआरएनए, एचएनआरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 23S राइबोसोमल आरएनए एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल. क्वेश्चन नंबर 70. इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक्स प्लेस इनसाइड द राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, डेक्टियोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन द आरएनए स्प्लाइसिंग एज वेल एज आरएनए कैपिंग बोथ टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 71. वन जीन वन एंजाइम हाइपोथीसिस वाज पास्टुलेटेड बाय बीडल एंड टेटम, आर फ्रैंकलिन, हार्शे एंड जेस, ए गैरोट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बीडल एंड टेटम प्रपोज्ड द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथीसिस. क्वेश्चन नंबर 72. टीलोमेरेज इज एन एंजाइम विच इज अ सिंपल प्रोटीन, आरएनए, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, रेपिटेटिव डीएनए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टीलोमेरेज इज एन एंजाइम विच इज केमिकली राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 73. During transcription, holoenzyme RNA polymerase binds to a DNA sequence and the DNA assumes a saddle-like structure at that point. What is that sequence of DNA is called? Triple AT box, Tata box, GGTT box, CART box. So correct answer is option B. That sequence of DNA is known as Tata box. और इसी Tata box पर जो है RNA polymerase attach होता है. क्वेश्चन नंबर 74. विच फॉर्म ऑफ आर एन ए हैज़ अ स्ट्रक्चर रिसेम्बलिंग क्लोवर लीव, राइबोसोमल आर एन ए, एच एन आर एन ए, मैसेंजर आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रांसफर आर एन ए की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीव लाइक होती है.